कालवाड़ थाना क्षेत्र में एक मोबाइल छीनने वाली वारदात जब हुई, तो मोबाइल छीनने वाली वारदात में हमारी पूरी टीम ने काम किया, तो दो लड़कों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई, तो ये बात सामने आई कि ये लोग काफ़ी समय से एक्टिव रह के इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। तो इस तरीके से टोटल 44 घटनाएं इन्होंने कबूली हैं, 22 मोबाइल इनसे रिकवर किए जा चुके हैं और अनुसंधान जारी है कि ये और किस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। कितने समय से एक्टिव थे ये ग्रुप? करीब एक साल से। मतलब इतने समय के बाद में पुलिस ने जो है अब जाकर इनके ऊपर शिकंजा कसा? पहले भी ये गिरफ्तार हो चुके हैं, पहले भी ये जेल में जा चुके हैं। अलग अलग जगहों पर सुनसान जगहें देखकर इस प्रकार की घटना अंजाम देते थे, जहां पर कोई सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह ना मिल पाए, जिससे पकड़ना मुश्किल रहे। पहले जो उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ में जुड़ के काम किया था या फिर अभी जो कर रहे हैं वो सभी अब अनुसंधान का विषय है, जिससे और डिटेल जो एमओ के बारे में चीज़ें वो पता चल जाएगी। लेकिन पहले का जो इनका आपराधिक रिकॉर्ड है वो प्रेस नोट में दिया गया। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।